रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ पाकिस्तान इस्लामाबाद से। नाज़रीन, जैसा कि शहरों से कबल मेट्रो बस सर्विस को जुड़वा शहरों में बंद कर दिया गया था, और इसको बंद करने की वजह ये थी कि कोरोना वायरस की सीज़न जो थी उससे शहरी में बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे। कोरोना वायरस जो है उसकी SOPs के तहत इस बस को बंद कर दिया गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा अफराद तकरीबन रोज़ाना सुबह से शाम तक 2 लाख से ज़्यादा अफराद इस पर सफ़र करते हैं। ट्विन सिटी में पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी आते हैं, तो रश को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि मेट्रो बस को बंद कर दिया जाए, और जब ये वायरस जो है इसकी लहर कम होती जाएगी तो उसके बाद इसको ग्रेजुअली ओपन किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इसी दौरान जो है वो मुजाहरे जो है टूट पड़े, और मुजाहरीन ने तकरीबन अभी तक जो तखमीना लगाया गया है 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है वो मेट्रो बस की तनसीबात को पहुँचाया है, जिसमें मेट्रो बस स्टेशन के शीशे तोड़ दिए गए और एक्सीलेटर इसके साथ साथ प्योर टफ और दीगर जो थी चीज़ें वो तमाम चीज़ें जो है वो तोड़ दी गई। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फैज़ाबाद स्टेशन को पहुंचाया गया और उसके बाद लियाकत बाग स्टेशन को पहुंचाया गया। आज चूँकि फैसला किया गया कि तमाम की वसी तरफ में जो मेट्रो बस सर्विस जो है इससे तकरीबन 2 लाख से शायद शहरी जो है वो ट्विन सिटी में मूव करते हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेट्रो सर्विस बंद हो गई है क्योंकि आम जो कन्वेंस चलती है जिसमें छोटा और दीगर मिनी बसेज हैं उन पर लोग सफ़र इतना ज़्यादा नहीं करते, मेट्रो बस के ऊपर ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मेट्रो बस सर्विस जो है वो आज से बहाल कर दी गई है ट्विन सिटी में, और इस वक्त जो सूरत हाल है पिंडी की लियाकत बाग चौक, फैज़ाबाद चौक, वहाँ से कंटेनर भी हटा दिए गए हैं, और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तक इसका रूट होता है और ये सदर से चलती है, और बाकायदा तौर पर जो है कुछ दिनों के लिए इसको सिर्फ सेक्रेटेरिएट से लेके IGP रोड तक चलाया गया था, और उसके बाद मुजाहरे टूट पड़े, मुजाहरे के दौरान इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब ये सर्विस जो है सदर पिंडी से लेके इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तक जो है वो कम्प्लीटली आज सुबह ओपन कर दी गई थी, और अभी जो युवा शहरों के बासी हैं उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया है, और थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई इंतज़ामिया से, तो इंतज़ामिया का कहना था कि लोगों की मुश्किल को देखते हुए हमने बस सर्विस को खोलने का फैसला किया, क्योंकि रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक के औकात कार इस तरह हैं कि 10 बजे ऑफिस खुलते हैं और 3 बजे बंद हो जाते हैं, और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि रास्ते भी बंद थे, रास्तों की बंदिश की वजह से भी जो है वो लोग परेशान थे। और मेट्रो बस के जिसका ट्रैक ओपन है और ये ऊपर जाती है, तो इस वजह से लोगों ने जो है वो आप देख सकते हैं कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ इस वक्त ट्रेड स्टेशन पर, जो मेट्रो बस का ट्रेड स्टेशन है, और यहाँ पर लोग जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर मेट्रो बस पर सफ़र शुरू कर दिया है, और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये है कि तमाम रास्ते जो है वो क्लियर हो चुके हैं, और इसलिए आज इंतज़ामिया का मेट्रो बस को खोलने का जो था वो फैसला था, और आज ये फैसला जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब चूँकि युवा शहरों में सर्विस बहाल हो चुकी है, और नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन था पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी को MM न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह सुबहाना ताला आपका निगेबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।